गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि संक्रमितों की संख्या 429 हो गई है, इनमें से केवल 232 तबलीगी जमात के शामिल हैं। आगरा में सबसे अधिक 89 मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार फैलता ही जा रहा है। इसी बीच शुक्रवार सुबह 19 मामले बढ़े हैं, जिसके बाद 429 लोगों की जांच पॉजिटिव आई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 232 कोरोना मरीज केवल तबलीगी जमात से ही पाए गए हैं। KZMU लखनऊ ने शुक्रवार सुबह 5 आगरा के केस की रिपोर्ट दी है। इसके पहले मेरठ मेडिकल कॉलेज ने गुरुवार रात 14 पॉजिटिव कोरोना मरीजों की रिपोर्ट दी, जिसमें 6 मेरठ के, हापुड़ के 3 और 5 अमरोहा जिले के मामले शामिल आए हैं। आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप उत्तर प्रदेश में बढ़ने के साथ साथ ही आजमगढ़ की पुलिस ने यह बड़ा फैसला लेते हुए जमातियों पर पुलिस ने रखा है 5,000 रुपये का इनाम। अब तक यहां 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में तबलीगी जमातियों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। शुक्रवार को SP त्रिवेणी सिंह ने जमातियों पर 5,000 के इनाम का ऐलान किया। कहा, दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से तमाम लोग आजमगढ़ से आए हैं, ऐसी सूचना है, लेकिन वे अभी तक घरों में छिपकर बैठे हैं। आपको बता दें इसके अलावा SP ने कहा कि जो जमातियों की सूचना देगा उसे इनाम दिया जाएगा। जिले में अब तक 35 जमातियों को पुलिस हिरासत में लेकर क्वारंटाइन कर दिया है, और भी छिपे हैं जमाती, ऐसी आशंका है। आपको बता दें SP त्रिवेणी सिंह ने कहा, दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हुई जमात में शामिल होकर तमाम जमाती आजमगढ़ से आए हैं। प्रशासन ने इन लोगों से अपील की थी, जमात से लौटे तमाम लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है, इसीलिए जिले के जमाती बाहर आए और उनकी जांच व इलाज कराया जाएगा। जिले भर से तमाम ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, उनके घरों के आसपास लोग हैं जिनमें संक्रमण के संदिग्ध लक्षण हैं। जो जमाती घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं, यदि वे पुलिस की पकड़ में आए तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें 3 जमाती व 1 मौलाना संपर्क में आने से संक्रमित की हुई खबर आपको बताते हैं। आजमगढ़ जिले में 1 अप्रैल को मुबारकपुर के चक खिसकी स्थित एक मस्जिद से 16 संदिग्धों को पकड़ा गया था। ये सभी जमात से जुड़े थे। इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व गाजियाबाद के रहने वाले 3 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनके संपर्क में आने से मुबारकपुर निवासी एक मौलाना भी कोरोना पॉजिटिव है। ये सभी 21 मार्च से मस्जिद में छिपे हैं। प्रशासन इन संक्रमित जमातियों के संपर्क में आने वाले को ट्रेस कर रही है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को पसंद करने के साथ साथ आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं द अगली हाइलाइट्स न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।